क्रिकेट के खेल में तो हैट्रिक बनते और चूकते तो बहुत देखी है, पर असल जिंदगी में शादी की हैट्रिक कम सुनने में आती है। झांसी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जब दूल्हा शादी की हैट्रिक लगाने जा रहा था पर उसकी दोनों पूर्व पत्नियां उसकी हैट्रिक में रोड़ा बन गई और हंगामा खड़ा हो गया। पूर्व पत्नियों के भंडाफोड़ के बाद दूल्हे की तीसरी शादी रचाने की ट्रिक फेल हो गई। पूरा मामला झांसी के मूठ थाना क्षेत्र के बसोबई गांव का है। यहां के रहने वाले विनय कुमार की बेटी दीपा की शादी 24 मई को जालौन जिले के एट निवासी जितेंद्र से होना तय थी। शादी की तमाम रस्में पूरी हो चुकी थी, घर वाले बारात के इंतजार में थे, तभी विनीता व पूजा नाम की दो महिलाएं शादी के पंडाल में पहुंच गईं और दुल्हन के परिजनों को बताया कि वह दूल्हा बने जितेंद्र की पहली और दूसरी पत्नियां हैं। यह सुनकर परिवार वालों के होश उड़ गए। उन्होंने दोनों महिलाओं से जानकारी ली तो पता चला कि विनीता से 10 साल पहले जितेंद्र की शादी हो चुकी है। उसके बाद उसने पूजा नाम की महिला से पहली पत्नी की मौत होने का झांसा देकर शादी कर ली थी। अब वह दीपा से तीसरी शादी करने जा रहा था। महिलाओं के हंगामा व शिकायत पर मूठ थाना पुलिस ने शादी रुकवा दी। हालांकि शातिर दिमाग जितेंद्र को इस हंगामे की भनक लग गई और वह बारात लेकर नहीं आया। जब दोनों पत्नियों व होने वाली तीसरी पत्नी के परिजनों ने पुलिस से धोखेबाज जितेंद्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, यह मामला झांसी में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम उरई के उतर से आए हैं, उरई से हमें मालूम चली विनीता नाम हमारा, और हमें मालूम चली कि तीसरी शादी कर रहे हैं। कौन कर रहा था? जितेंद्र साथ शादी कर रहे थे तीसरी। आपके कौन है वो? हमारे पति है। आपकी शादी कब हुई थी और दूसरी कब? हमारी भी 2014 में शादी हुई थी 11 फरवरी को। हाँ, हमारी दो लड़की हैं, एक लड़की हम रात हैं, एक लड़की ससुराल में है। दूसरी शादी कब कर ली फिर? इन्हें कर ली 7 साल बाद। 7 साल बाद। उनकी कितने बच्चे हैं? उनकी एक लड़की है। फिर यहाँ क्या कर रहे थे वो? जो तीसरी शादी करने भी आए थे इधर पे। हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसोबई गाँव में। कहाँ रहती हैं आप? जिगनी राठ। दूसरी शादी की है? हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी। तो आपको पता नहीं था कि उनकी पहले शादी हो चुकी है? हमें पता था, पर हमसे एक एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। आपके बच्चे हैं? हमारी एक लड़की है। यहाँ पर दूसरी शादी कर रहे थे? यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बसोबई गांव में। यहाँ पर ये मामला हुआ है सर कि एक शादी थी यहाँ हमारी चचेरी बहन की, तो यहाँ पर दो महिलाएं पुलिस के साथ आईं, तो उन्होंने यहाँ पूरी तैयारी थी, खाना बन गया था, टेंट वगैरह सब कुछ खर्चा हो गया। हाँ, रिश्ते सारे रिश्तेदार आ चुके थे। आज के दिन तिलक था, मतलब टीका था आज के दिन, तो उसमें फिर दो महिलाएं आईं पुलिस के साथ में, तो उन्होंने मतलब ये बताया कि मैं इनकी पहली पत्नी हूँ और एक महिला और थी, तो वो बोली मैं इनकी दूसरी पत्नी हूँ। तो हम लोगों ने सारे रिश्तेदारों में हलचल मच गई, अफरा तफरी हो गई कि भाई दो शादी पहले से हो चुकी हूँ और ये बंदा तीसरी शादी यहाँ रचाने। नहीं, कोई जानकारी थी इसके बारे में? कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। जब ये महिलाएँ दो महिलाएँ वहाँ से आईं, उन्होंने अपने आप को शादीशुदा उनकी जितेंद्र की पत्नी बताया, तो फिर हम लोगों को ये इस चीज़ को संज्ञान में लिया। सारे रिश्तेदार देखे, पुलिस आई, पुलिस ने ये शादी रुकवाई है कि भाई अब वहाँ शादी नहीं करना, हम लोग भी अब वहाँ शादी करना नहीं चाह रहे हैं। और इन दो महिलाओं ने हम लोगों को सारी घटनाएं अपनी बताई हैं कि वो पहले से हमें चीट कर चुका है, धोखा दे चुका है, दूसरी पत्नी भी रखे हैं उनके, उनसे बच्चे भी हैं, और तीसरी लड़की की ये ज़िंदगी खराब होने जा रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर शादी रुकवा दी है। राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।